सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कराची ब्लॉगर से काशिफ अंसारी। तो भाई इस वक्त आ गए हैं कराची कार संडे बाजार। तो भाई वीडियो बना रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए व्यूअर्स वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा तो भाई मुझे मिली एक कोरियर 2000 का मॉडल है, गाड़ी का रिव्यू आपको कराते हैं। रूफ देखें, विंड स्क्रीन, बोनट बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट जाली। तो भाई लुक वाइज गाड़ी मुनासिब कंडीशन में देख ही सकते हैं आप। तो ये है भाई इसका फ्रंट लुक। चलते हैं साइड की तरफ, तो साइड से आपको गाड़ी का लुक दिखा देते हैं क्या किस कंडीशन में गाड़ी है। तो भाई देख लें भाई, फ्रंट फेंडर की कंडीशन ही आपके सामने है। डेंट बहरहाल कोई नहीं है, और यानी कि मामूली से कुछ स्क्रैचेज वगैरह होंगे तो होंगे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं नज़र आए। तो भाई देख सकते हैं टायर की कंडीशन, अलॉय रिम पे गाड़ी है, टायर की कंडीशन अच्छी है। इसी तरह हम आ जाए फ्रंट डोर पर, तो फ्रंट डोर पर भी मुझे कोई डेंट नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह बैक डोर पर आ जाते हैं, तो भाई बैक डोर पर एक मामूली से स्क्रैच है, ये देख सकते हैं। बस ये छोटा सा है, लेकिन इसको भी कलम टचिंग हुई हुई है, गाड़ी की कंडीशन मुनासिब है। तो भाई अब आ जाएं बैक फेंडर पे, बैक फेंडर देख ही सकते हैं आप ये। अच्छा तो ये लुक दे रही है गाड़ी साइड से, भाई ये हमारा हो गया साइड लुक खाली साइड का। तो चलते हैं थोड़ा सा बैक दिखा देते हैं आपको बैक गाड़ी की। तो भाई आ जाएँ बैक बम्पर पर, आ जाएँ बैक लाइट्स वगैरह देख सकते हैं। अच्छा जी इसी बात पर आ जाएँ जनाब हम बैक स्क्रीन। तो बैक स्क्रीन से फिर हम चलते हैं जनाब छत की तरफ, छत की कंडीशन दिखाते हैं। छत का पेंट थोड़ा सा मामूली सा रफ़ हो रहा है, तो ये देख सकते हैं आप भाई ये कंडीशन छत की है, ठीक है। अच्छा तो छत पे अगर एक हल्का सा शावर हो जाए तो गाड़ी यानी कि अच्छी ही कंडीशन है। बाकी हम आ जाते हैं बैक फेंडर पे, तो भाई बैक फेंडर की कंडीशन भी हमारी अच्छी है। बम्पर वगैरह सालिम है, इसके सलामत हैं। तो भाई मिरर शिरर सब पूरे हैं, और साइड के ग्लासेस व्लासेस सब हर चीज़ इसकी पूरी है। बैक डोर पर आ जाएँ तो बैक डोर की कंडीशन भी मुनासिब है। आ जाए फ्रंट डोर पर, तो भाई फ्रंट डोर का लुक आप देख सकते हैं, इस पर भी कोई खास डेंट शेंट नहीं है। तो भाई फ्रंट फेंडर हो गया हमारा। अब आ जाए टायर पर, तो टायर की कंडीशन भी अच्छी है, रिम भाई ने अच्छे डाले हुए हैं। तो अंदर से आपको दिखाते हैं गाड़ी की कंडीशन, अंदर से क्या कह रही है गाड़ी। अच्छा तो भाई जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में स्टीयरिंग व्हील है। डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड भी अच्छी कंडीशन है भाई का। तो भाई ये देख सकते हैं माइलेज जो मुझे नज़र आ रही है 1623-26। तो भाई ये माइलेज नज़र आ रही है, बाकी आप डैशबोर्ड की कंडीशन चेक कर सकते हैं। इस कंडीशन में डैशबोर्ड है, पैनल चैनल लगा हुआ है, देख ही सकते हैं भाई आप। तो सिस्टम ऑन है, बाकी एसी में सिर्फ गैस नहीं है, बाकी सामान वामान पूरा है। यानी कि एसी अगर सिर्फ आप गैस डलवाएं तो एसी वर्किंग में भाई। कंसोल्ड वनसोल्ड सब देख सकते हैं। दरवाजे के पर्दे देख लें, दरवाजे के पर्दे भी मुनासिब कंडीशन में आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी बात पर दिखा दें आपको पिलर, तो जनाब पिलर की कंडीशन भी आप देख लीजिए, इस कंडीशन में पिलर है गाड़ी का। अच्छा अब आपको लेके चलेंगे जनाब बैक सीट दिखा देंगे, बैक पोर्शन। तो भाई बैक डोर खुल चुका है, ये देखिए इस कंडीशन में बैक डोर है हमारा। अच्छा और आपको दिखाएं बैक सीट, तो बैक सीट की कंडीशन ये है कि गाड़ी का कवर मेरे ख्याल में सीट पे पड़ा हुआ है। तो भाई ये देख सकते हैं, बाकी मैं आपको दरवाजे के पर्दे वगैरह दिखा दूँ, ये लुक दे रही है गाड़ी भाई। चलते हैं इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम से आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स इंजन रूम की कंडीशन देख ही सकते हैं आप, कुप्पे वगैरह दिख रहे हैं भाई इसका, माउंटेन वगैरह ओके की कंडीशन है। तो माउंटेन हो गई, बैटरी की कंडीशन भी मुनासिब ही लग रही है मुझे। तो ये हो गई जनाब हमारी बैटरी की कंडीशन। तो भाई सीएनजी किट इसमें फिटेड है, बाकी सिर्फ सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर लगा के आप चाहें तो आप सीएनजी पे भी चला सकते हैं, गाड़ी भी पेट्रोल पे चल रही है भाई, गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है। अच्छा टिकली शिकली आप देख ही सकते हैं, बाकी इंजन की कंडीशन आपके सामने है, दिखा देते हैं आपको। तो भाई देखते जाए, अच्छा नंबर वंबर सब सामने आपके, तो बाकी देख लें। माउंटेन की कंडीशन इस साइड की भी ये भी ओके नज़र आ रही है, माउंटेन हमें कुप्पे जिसे हम कहते हैं। तो भाई अब आ जाएँ चेसिस पे जहाँ तक नज़र आ रहा है, ये भी देख लें आप। तो ये हो गई हमारी इंजन की डिटेल्स, बाकी बात भाई से कर लेते हैं। अच्छा तो भाई हमारे साथ उसामा भाई मौजूद है, उसामा भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। गाड़ी का मॉडल हमारी बता दिए, डिमांड बता दिए। 2000 मॉडल है, 380 की डिमांड की हुई है। 380 की डिमांड है जी। अच्छा टैक्सेस वगैरह इसकी क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। रिटर्न फाइल वगैरह है सब मौजूद है। कलर के हवाले से अगर बात करें तो ये ओरिजिनल है या रिपेंट है? रीपेंट है, रीपेंट गाड़ी है जी। ठीक है भाई, भाई पेट्रोल एवरेज सेट है इसका? बिल्कुल सेट है, इंजन में किसी किस्म का काम कोई काम नहीं है, बिल्कुल ओके। सस्पेंशन भी ओके? बिल्कुल। शहर से बाहर जाएं गाड़ी तंग नहीं करेगी? नहीं बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा, चला हम गए इसके ऊपर, हम जाते रहते हैं इसके ऊपर। भाई कुछ डिस्काउंट कर दिया हमारे व्यूअर्स के लिए, लोग देख रहे होते हैं तो कुछ डिस्काउंट हो जाए इसी बात आएंगे तो फिर आएंगे बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कुछ मुनासिब कर लेंगे हम उसके ऊपर। लेकिन उनकी तरफ से हमारे में बात ही होती है, वो वीडियो देख रहे होते हैं, रेट अच्छा होता है तो कॉल कर ली जाती है, भाई मुनासिब रेट है, रेट वादे का है तो फिर कॉल कर ली जाती है। तो थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट हो जाए, क्या डिस्काउंट देगा मशवरा कर लें। तो भाई भाई ने डिस्काउंट सोच लिया, बता दिया कुछ 370 कर लेंगे सर, 370 हो जाएगा। हमने क्या बोली थी इसकी? 380 380 10,000 रुपये डिस्काउंट दिया हमने। ठीक है मेरे भाई, भाई ये बताइए लोकेशन कहाँ पर आके गाड़ी देख सकते हैं? ये बल्दिया में वैसे होते हैं हम, बल्दिया में जी। तो अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दिए। बिल्कुल
व्यूअर्स मुझे मिली है कोरे 2008 का मॉडल। ये भी गाड़ी आपको दिखा दें भाई, गाड़ी की कंडीशन ये भी मुनासिब है, देख ही सकते कलर वाइज लुक अच्छा है गाड़ी का। तो इसी बात पे आप देख ले, फ्रंट रूफ हो गई, विंड स्क्रीन, बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट जाली। तो भाई ये हो गया गाड़ी का फ्रंट, आपको लेके चलते साइड की तरफ, साइड से आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देते हैं। तो भाई आ जाए साइड की तरफ से गाड़ी देख ले, बम्पर शम्पर इसका पूरा है, कोई टूट फूट नहीं है अच्छा। तो आ जाए जनाब फ्रंट फेंडर पे, फ्रंट फेंडर पे भी कोई डेंट नहीं है, हल्के से माइनस एक स्क्रैच है तो वो तो जनाब आ ही जाते हैं, गाड़ी की कंडीशन अच्छी लग रही है। तो भाई हम आ जाए फ्रंट डोर पे, फ्रंट डोर भी ओपन हमारा, फ्रंट डोर पे भी कोई डेंट नहीं है, तो बैक डोर पे आ जाते हैं। भाई बैक की कंडीशन देख सकते हैं आप, अच्छी कंडीशन है, अच्छा गाड़ी में शाइन भी है, शाइन नज़र आ रहा है। तो भाई बैक फेंडर की बात कर लेते हैं, बैक फेंडर ओके ही है तकरीबन, थोड़ा सा ये यहाँ पर कुछ ये लगा हुआ है भाई इसमें, ठीक है जी, बाकी ओके कंडीशन है गाड़ी की। अच्छा हम चलते हैं भाई बैक की तरफ, बैक से आपको गाड़ी दिखाते हैं। तो भाई बैक से आप देख सकते हैं, बैक बम्पर, बैक लाइट, बैक स्क्रीन, तो भाई ये हो गया बैक स्क्रीन, बैक से लुक गाड़ी भाई, तो बैक लुक ये है गाड़ी का, ये देख सकते हैं आप, रूफ भी देख सकते हैं, रूफ की कंडीशन मुनासिब है। तो आ जाते हैं बैक फेंडर पे, बैक फेंडर देख सकते हैं भाई, इस पे भी कोई डेंट नहीं है, अच्छा टायर की कंडीशन मुनासिब है, तो टायर भी लुक अच्छा है, सिंपल स्टेपनी जो कंपनी फिटेड स्टेपनी पे गाड़ी होती है वो मिल रही है। बैक डोर पे मामूली सा स्क्रैच है, तो भाई ये देख सकते हैं आप। अच्छा जी अब आप आ जाते हैं फ्रंट डोर पे, तो फ्रंट डोर की कंडीशन भी अच्छी लग रही है, मुनासिब कंडीशन वाले भाई। अच्छा जी फ्रंट आप फेंडर देख सकते हैं, बाकी दिखा दो टायर और फ्रंट ये देख लीजिए भाई। तो अंदर से आपको गाड़ी दिखा देते हैं क्या कंडीशन है गाड़ी की। तो भाई स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन मुनासिब है। डैशबोर्ड पे आ जाएं तो भाई डैशबोर्ड भी लुक वाइज अच्छा है, कोई इनकी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, तो अच्छी कंडीशन ही है। पैनल शैनल लगा हुआ है, पैनल भाई सिस्टम वर्किंग में जी भाई, साउंड सिस्टम वगैरह वर्किंग में है। तो ये दिखा देते हैं हम आपको, ये देख सकते हैं आप ये लगा हुआ है भाई। अच्छा इसी बात पे हम आपको दिखाते हैं भाई, पिलर शिलर की कंडीशन देख लें, तो पिलर विलर सब वो की कंडीशन नज़र आ रहा है भाई की गाड़ी का, ये देख सकते हैं आप। अच्छा इसी बात में फ्रंट डोर देख लें, तो फ्रंट डोर का लुक भी अच्छा है, दरवाज़ों के पर्दे वगैरह देख ही सकते हैं, ये देख सकते हैं जहाँ तक नज़र आ रहे हैं। रूफ़ की कंडीशन अच्छी है, जेन्युइन रूफ में गाड़ी मिल रही है आपको, तो भाई ये देख लें। अब दिखाते हैं आपको पीछे से गाड़ी की कंडीशन भाई, बैक डोर के पर्दे की कंडीशन आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में आपको गाड़ी मिल रही है, लुक वाइज गाड़ी मुनासिब है। तो भाई सीट्स की कंडीशन देख लें, सीट्स की कंडीशन भी अच्छी है, सीट्स पे भाई ने यानी कि समझे रेक्सिन कवर चढ़ाए हुए, तो भाई ये लुक दे रही है गाड़ी, ये देख सकते हैं आपको दिखाते हैं। इंजन रूम अच्छा, तो भाई आप ये देख सकते हैं माउंटेन वगैरह कुपे शुपे की कंडीशन अच्छी कंडीशन में है, यानी कि मुनासिब कंडीशन में है ये देख सकते हैं आप। अच्छा बैटरी की कंडीशन भी अच्छी लग रही है, बैटरी का लुक अच्छा है, तो भाई बैटरी हो गई हमारी, अब आपको दिखा देते हैं बाकी। तो ये देख सकते हैं आप भाई टिकली शिकली सब लगी हुई है, नंबर शंबर आपके सामने है। तो भाई आप आज इस साइड की माउंटेन पे, माउंटेन बीच साइड की भी अच्छी कंडीशन है, देख ही सकते होंगे जहाँ तक चेसिस नज़र आ रहा है वो भी देख लें भाई आप, ये देखें। अच्छा अब बाकी इंजन रूम आप तसल्ली से देखें भाई, इंजॉय करें इसको, फिर मिलवा देते हैं आपको भाई से। तो भाई ये हो गया हमारा इंजन रूम कम्प्लीट। तो भाई हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सिद्दीक भाई, मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से? बाइक ले लीजिए भाई, जो भी है जेन्युइन में है, कोई जिसको बोलते हैं भाई मैनेज नहीं, कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग में है, और एसी जो है वो चालू नहीं है, एसी चालू नहीं है। हाँ पेट्रोल एवरी साइड है जी, पेट्रोल बिल्कुल। अच्छा इंजन में किसी किस्म का काम भाई सर? कोई काम नहीं है, किसी किस्म का काम नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई लोकेशन कहाँ पर गाड़ी देख सकते हैं जी? PIDC हिजर कॉलोनी सुल्तानाबाद। भाई नंबर शेयर करिए, मोबाइल नंबर 0345-3892-327। तो मुझे मिली है मेहरान 2013 का मॉडल है भाई गाड़ी, ये भी जेन्युइन कलर में आपको दिखाए थे, रूफ, विंड स्क्रीन, बोनेट, बम्पर, हेडलाइट और जनाब फ्रंट जाली, लुक अच्छा है, ये देख सकते हैं फ्रंट से। तो चलते हैं साइड की तरफ, साइड से आपको दिखा देते हैं भाई साइड से गाड़ी का लुक क्या कह रही है गाड़ी। तो आ जाए भाई साइड की तरफ चलते हैं, देख ले भाई बम्पर शम्पर ओके कंडीशन में। तो आ जाए फ्रंट फेंडर अच्छी कंडीशन में, अच्छा गाड़ी भाई की भी शाइनी है। तो भाई फ्रंट फेंडर हो गया, आ जाए डोर पर, तो डोर की कंडीशन देख लें आप, डोर का लुक भी अच्छा है, अच्छी कंडीशन में डोर है, शाइनी गाड़ी है भाई। बैक डोर पर आ जाते हैं, बैक डोर की कंडीशन भी अच्छी है। अच्छा तो इसी बात पे चलते हैं भाई, बैक फेंडर देख लेते हैं, बैक फेंडर की कंडीशन भी अच्छी है, अच्छा लुक है। अच्छा जी देख सकते हैं मिल क्या पे टायर की कंडीशन मुनासिब है, तो आपको दिखाते हैं इसी बात पे साइड में गाड़ी ये दे रही है। अच्छा भाई बैक की बात कर लेते हैं, तो बैक पे आप देख सकते हैं भाई, ये देखिए भाई बैक स्क्रीन हो गया, बैक लाइट्स वगैरह, बैक बम्पर, बम्पर भी कोई यानी कि कोई टूटा फूटा बम्पर नहीं है, ठीक है, हल्के से स्क्रैचेज हैं, तो भाई
ये देख सकते हैं आप कंडीशन, आपको दिखा देते हैं इसी बात का रूफ़, तो रूफ़ देख सकते हैं, रूफ़ माशाल्लाह बहुत प्यारी शाइनी रूफ़ है। तो ये देखें भाई रूफ़ का लुक भी अच्छा है। अब आपको इसी बात पर दिखा देते हैं भाई बैक फेंडर, तो बैक फेंडर की कंडीशन देख लें आप, ये लुक दे रही है। अच्छा बैक फेंडर हो गया, आ जाते हैं भाई बैक डोर पे, तो बैक डोर भी अच्छा लुक है, मामूली से स्क्रैचेज है, लेकिन टेंट मुझे फिलहाल कोई नहीं नजर आया। तो फ्रंट डोर भी भाई की कंडीशन अच्छी है, ये देख ले भाई आपको दिखा रहे हैं फ्रंट फेंडर, तो भाई फ्रंट फेंडर की कंडीशन भी हमें ओके नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप। अगला टायर थोड़ा सा यूज़ में, बाकी पिछले टायर की कंडीशन अच्छी है। अंदर से आपको गाड़ी दिखाते हैं इसी बात पर, तो भाई आप देखें स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन अच्छी कंडीशन में भी आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। डैशबोर्ड की कंडीशन दिखाते हैं आपको, जेन्युइन डैशबोर्ड है भाई इसका गाड़ी का। और जहाँ तक मुझे रीडिंग नज़र आ रही तो वही बता दो भाई क्या है, 93787-5, तो भाई ये रीडिंग नज़र आ रही है हमें। अब आप देखें भाई बाकी डैशबोर्ड की कंडीशन देख सकते हैं, सिस्टम विस्टम होने भाई, एसी चल रहा है, एसी वर्किंग में मिल रही है भाई आपको गाड़ी। दरवाज़ों के पर्दे देख ही सकते हैं आप, दरवाजे के पर्दे इस कंडीशन में। हमारे रूफ देख लें भाई, रूफ देख सकते हैं जेन्युइन रूफ में गाड़ी मिल रही है आपको। अच्छा तो इसी बात को दिखाएं आपको प्लेयर, ये देख सकते हैं भाई दरवाजे का पर्दा ये साइड भी ओके है। आप देखें बाकी प्लेयर की कंडीशन, तो प्लेयर की कंडीशन भी हमें ओके ही नज़र आ रही है भाई, ये देख सकते हैं हम। अच्छा भाई इसके साथ चलते हैं, पिछला डोर देखते हैं, सीट देखते हैं भाई। पिछला डोर ओपन हो चुका है तो आपको दिखा देते हैं यहाँ से सीट के मामला, सीट की कंडीशन देख लें भाई। सीट जेन्युइन है ना इसकी भाई, सीट आपको जेन्युइन मिल रही है, देख सकते हैं दरवाजे के पर्दे वगैरह भी ओके हैं जेन्युइन कंडीशन में। तो भाई ये लुक दे रही है गाड़ी। अब चलते हैं इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम आपको दिखा देते हैं गाड़ी का। तो भाई इंजन रूम देखेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। देखें भाई माउंटेन वगैरह देख लें, माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन में भाई ने गाड़ी रखी हुई है, नज़र ही आ रही है आपको भाई। बैटरी भी अच्छी कंडीशन में इसकी, तो ये देख सकते हैं बैटरी की कंडीशन अच्छी है। बाकी आप यहाँ से इन्जॉय करें भाई गाड़ी को, ये देखिए भाई ये सब टिकली शिकली लगी है, क्वेश्चन स्लिप लगी है, नंबर माशाल्लाह सामने ही सामने भाई देख ही सकते हैं आप ये। अच्छा तो अब आ जाए भाई दूसरी साइड की माउंटेन, तो ये कंडीशन भी अच्छी है। इंजन वाइज गाड़ी का लुक भाई बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है इंजन का लुक मुझे, तो देखिए जैसे कम चली हुई गाड़ी होती है वही लुक दे रही है गाड़ी। तो भाई ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इंजॉय करें इसको। रेडिएटर की कंडीशन भी अच्छी है, मिलवा देते हैं आपको इसी बात पर भाई से। तो भाई हमारे साथ फैजी भाई मौजूद है, फैजी भाई से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजी भाई। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं भाई। हमारी गाड़ी का मॉडल बता दीजिए। गाड़ी का मॉडल है 2013 यूरो 2, एसी ऑन है, बंपर टू बंपर जीनियन है। जो जीनियन हालत है वो आपको कैमरे में दिखा देती है। इसकी डिमांड कह रहे हैं 8.5 डिमांड है, तो वो फिर आप कोई आएगा आपसे इंशाल्लाह तो कर लेंगे, फिर वो देख लेंगे। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा, वो हम डिमांड की बात भी कर लेंगे, गुंजाइश की बात भी कर लेंगे, कागजात में क्लियर है? कागजात में बिल्कुल क्लियर है भाई, रिटर्न फाइल है। किसी किस्म के इंजन में काम सस्पेंशन नहीं, कोई 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 बाहर गाड़ी है तो नहीं नहीं करेगी, कोई तक नहीं करेगी। अच्छा तो भाई आप गुंजाइश थोड़ी सी बता दीजिए, क्या गुंजाइश कर लेंगे? गुंजाइश कर लेंगे, वो बात कर लेंगे, रब्ता करेंगे। तो आया वो तो थोड़ा बहुत कर लेंगे, 7.5 तक कर लेंगे। 7.5 तक कितनी वैरायटी हमने 7-8 बताइए, 7-8 बताइए, 7.5 आएगी, मतलब कितने का डिफरेंस आ गया? 75,000 व्यूअर्स मुझे मिली है 2000 चेक का मॉडल है चेरी क्यू। तो भाई गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, रूफ विंडो स्क्रीन बोनेट बम्पर हेडलाइट फ्रंट जाली, तो भाई अच्छा लुक है गाड़ी का। फ्रंट मैंने आपको दिखाई दिया, तो भाई फ्रंट से ये लुक दे रही है गाड़ी। हम चलते साइड की तरफ, तो साइड से आपको गाड़ी दिखा देते हैं, साइड से गाड़ी का लुक देख ले। तो भाई साइड से गाड़ी का लुक आपको दिखा देते हैं भाई, बम्पर शम्पर इसका ओके कंडीशन में, कोई टूट फूट नहीं है। फ्रंट फेंडर देख लें तो उसमें भी कोई डेंट नज़र नहीं आ रहा है भाई। अच्छा एलॉय रिम पे गाड़ी, एलॉय रिम की कंडीशन बहुत प्यारी है, एलॉय रिम अच्छा है, टायर की कंडीशन अच्छी है। तो भाई आ जाते हैं फ्रंट डोर पे, फ्रंट डोर की कंडीशन आप देख ही सकते हैं, फ्रंट डोर पे भी कोई डेंट नहीं है, बस हल्का सा ये मामला है। तो भाई ये बैक डोर पे नीचे की साइड ये आ जाता है भाई, क्योंकि पानी वानी तो हर जगह पर गाड़ी से गाड़ी पर लगी जाता है। तो भाई ये लुक दे रही है बैक डोर वगैरह, देख सकते हैं आप ये कंडीशन है। अच्छा अब हम आ जाते हैं भाई बैक टायर की तरफ, तो बैक टायर की कंडीशन भी हमें अच्छी लग रही है, टायर वाइज गाड़ी अच्छी कंडीशन में, एलॉय रिम पे गाड़ी है, लुक अच्छा है भाई। तो ये लुक दे रही है साइड से गाड़ी, देख सकते हैं आप अच्छा ही लुक है। अच्छा तो भाई अब हम आ जाते हैं बैक की तरफ, तो बैक से आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं, देख लें भाई बैक स्क्रीन वगैरह आपको दिखा देते हैं। तो बैक स्क्रीन की कंडीशन हो गई हमारी, बैक लाइट्स वगैरह, बैक बम्पर, बैक बम्पर में भी कोई टूट फूट नहीं है भाई, ये देख सकते हैं। अच्छा मिरर मिरर भाई इसके पूरे हैं, ग्लासेस के पूरे हैं, कोई टूट फूट नहीं है। रूफ़ की बात करें तो रूफ़ की कंडीशन भी मुनासिब है भाई की गाड़ी की। तो भाई आ जाएँ बैक फेंडर पे, बैक फेंडर ओके, टायर की कंडीशन अच्छी, एलॉय रिम अच्छा जी। बैक डोर पे आ जाएँ तो बैक डोर का लुक भी अच्छा है। फ्रंट डोर आपको दिखा दूँ पहले बाहर से, पहले अंदर से आपको गाड़ी का लुक दिखा दूँ। फ्रंट डोर ये लुक है भाई,
और फ्रंट फेंडर ही हो गया भाई हमारा। अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर से गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं, तो चलते हैं भाई, भाई से बात भी करेंगे आखिरी में, पहले आपको दिखाते हैं अंदर से कंडीशन। तो भाई स्टेयरिंग व्हील की कंडीशन देखे, कवर ओवर बहुत प्यारा चढ़ाया हुआ भाई ने, तो ये देख लिया भाई। अच्छा डैशबोर्ड देखें, जेन्युइन डैशबोर्ड है भाई इसका। भाई कितने किलोमीटर चली हुई है बता दीजिएगा। इंजन अभी चेंज किया है, मीरा का इंजन डाला है, तो जिसकी अभी जो है तकरीबन 1500 आ रही है, और वाटर ड्रॉपिंग इंजन है। वाटर ड्रॉपिंग इंजन, आप इंजन पूरा खोल के चेक कर सकते हैं, अंदर से भी चमक रहा होगा। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। इसी बात पे आपको दिखाएं भाई पर्दे शर्दे, तो पर्दे की कंडीशन देख लें, दरवाजों के पर्दे ओके कंडीशन में, बाकी आप देख सकते हैं भाई पावर विंडो पावर डोर। तो भाई ये लुक दे रही है फ्रंट से गाड़ी, सीट का लुक देख लें, सीट की कंडीशन अच्छी है, ये देख ही सकते हैं आप। आपको डोर रूफ दिखाऊं तो रूफ ही कंडीशन भाई जेन्युइन कंडीशन में रूफ मिल रही है आपको। चलते हैं बैक पीछे जैसे गाड़ी आपको दिखाए थे भाई, इसी बात पर आ जाए बैक डोर पर, तो बैक डोर की कंडीशन अच्छी है, ये देख लें भाई। दरवाजों के पर्दे वर्दे आपको दिखाएं, सीट सीट की कंडीशन देख लें, बहुत ही प्यारी सीट, सीट की कंडीशन भी अच्छी है भाई, यानी कि साफ़ सुथरी सीट सखी हुई है, ये लुक दे रही है भाई गाड़ी। तो चलते हैं इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम से आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देते हैं। तो भाई इंजन की कंडीशन आप देख लें, गाड़ी की इस कंडीशन में आपको इंजन रूम मिल रहा है, ये देख लीजिए भाई, दिखा देता हूँ इंजन रूम आपको। ये इंजन रूम की कंडीशन आपके सामने ही है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा जी, साइड पे चेसिस वेसिस माउंटेन जो भी नज़र आ रहा है ये आप देख सकते हैं, ये देखिए भाई। अच्छा तो इंजन रूम तो हो गया, मिलवाते हैं आपको भाई से और बताते हैं गाड़ी के फीचर्स वगैरह। अच्छा तो भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शाहिद भाई, शाहिद भाई से बात करते हैं। शाहिद भाई खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे व्यूअर्स को गाड़ी का मॉडल बताइए। गाड़ी का मॉडल 2006 है और इसमें मीरा का इंजन फॉरेस्ट स्टॉक लगा हुआ है, फॉरेस्ट स्पीड में है और वाटर ड्रॉपिंग इंजन है। तो इसकी जो है प्राइस है 6 लाख रुपये है, तो अल्लाह का शुक्र है गाड़ी में ऐसा कोई काम है नहीं, पूरी पावर है, कागजात सारे क्लियर है, मेरे खुद के नाम पर है। आपके नाम पे जी, क्योंकि जब से इंजन डाला है तो तकरीबन मेरे ख्याल से 1500 या 2000 चल गई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाई, तो भाई अब ये बताइएगा क्या कितने की कीमत पे क्या गुंजाइश कर देंगे आप हमारी? सर आपकी वजह से सिर्फ ये मैं कर सकता हूँ कि चले 570 तक कर दूँगा। 570 और हमें बोली कितनी थी? 6.5 बोले थे वैसे, 570 हो गए जी, सिर्फ आपकी वजह से। तो भाई भाई ने कर दिया 80,000 रुपये का डिस्काउंट। अच्छा तो भाई ये बताइए लोकेशन कहाँ पर आके गाड़ी देख सकते हैं? सर मलीर में आ सकते हैं, मलीर खोखरा पार 6 नंबर पे आ जाएं, 5 नंबर पे आ जाएं। मोबाइल नंबर शेयर करिए, 0301391607। ठीक है भाई, थैंक यू। तो भाई मुझे मिली है कोरियर 2007 का मॉडल गाड़ी, आपको दिखा दें भाई, जेन्युइन कलर में गाड़ी मिल रही है। रूफ देखें, विंड स्क्रीन, बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट वाली, लुक वाइज गाड़ी अच्छी है, शाइनी गाड़ी है। तो भाई आपको फ्रंट मैंने दिखा दिया, साइड की तरफ लेके चलते हैं, साइड से आपको गाड़ी का लुक दिखाते हैं। अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल रही है भाई आपको, तो भाई देख लें आप फ्रंट फेंडर वगैरह। अच्छा जी, टायर की कंडीशन वंडीशन सब अच्छी है, ये व्हील कैप पे गाड़ी है, टायर देख लें। तो भाई फ्रंट फेंडर मैंने आपको दिखा दिया, कोई डेंट नहीं है। फ्रंट डोर पर आ जाए तो फ्रंट डोर पर भी हमें कोई डेंट नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह चलते आगे की तरफ, तो दिखाते हैं आपको भाई, देख लें भाई, बैक डोर भी ओके कंडीशन में इसका। अच्छा शीशे मिरर हर कोई चीज़ इसकी पूरी है। तो भाई ये देख सकते हैं टायर का लुक भी अच्छा है, ये देख लीजिए भाई। अच्छा तो भाई खाली साइड हमारी ये लुक दे रही है, आपको लेके चलते हैं बैक की तरफ, तो बैक से आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं, देख ही सकते हैं भाई आप। तो ये देख लें भाई बैक बम्पर वगैरह की कंडीशन, बैक बम्पर इसका ओके कंडीशन में, कोई टूट फूट नहीं है, बस हल्के से स्क्रैचेस हैं। तो भाई बैक लाइट्स वगैरह भी पूरी है, बैक स्क्रीन आप देख ही रहे हैं। तो आपको रूफ दिखाते हैं, रूफ देख सकते हैं भाई ओरिजिनल लुक, ये देखें कलर का, अच्छी शाइनी रूफ है, देख ही सकते हैं हम। तो भाई आपको दिखाते हैं इस वक्त, हम आपको बैक फेंडर दिखाते हैं, बैक फेंडर की कंडीशन भी देख ही सकते हैं हम। बैक फेंडर पे भी कोई डेंट नहीं है, बस माइनर से स्क्रैचेस आए हुए हैं, तो इस डोर पे आए हुए हैं। तो भाई ये देख लीजिए, ये देखिए। अच्छा अब आपको दिखाएं भाई पर्दे, दिखाते हैं गाड़ी के, तो पर्दे देख सकते हैं डोर के पर्दे, लुक अच्छा है। इसी बात पर अंदर से दिखाते हैं आपको गाड़ी। तो भाई देखिए, देखिए भाई स्टीयरिंग व्हील हो गया हमारा। अच्छा डैशबोर्ड की कंडीशन चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड की कंडीशन बहुत प्यारी है, मीटर रीडिंग है 27409-7। तो भाई ये रीडिंग नज़र आई है मुझे, बाकी घर के हिसाब से साउंड सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। दरवाज़ों के पर्दे फिर दिखा रहा हूँ, रूफ देख लें तो रूफ जेन्युइन कंडीशन में आपको मिल रही है भाई गाड़ी की। अच्छा इसी बात पर सीट्स देख लें, सीट्स का लुक अच्छा है, ये देखिए भाई। अच्छा जी अब आप देख लें भाई पिलर की कंडीशन, तो पिलर वाइज गाड़ी अच्छी कंडीशन में देख ही सकते हैं। ये पिलर मैंने आपको दिखा दिया गाड़ी का, आपको दिखाते हैं बैक डोर से गाड़ी। तो भाई बैक डोर खुल गया, देख सकते हैं कंडीशन ये, इसके भी पर्दा देख लें अच्छी कंडीशन में भाई, लुक वाइज गाड़ी अच्छी है। तो आ जाए सीट पे, सीट की कंडीशन ये देख सकते हैं भाई, सीट का लुक भी अच्छा है, अच्छा प्रॉपर मैटिंग भी हुई हुई है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैटिंग देख सकते हैं आप। अच्छा स्पीकर ये लगे, मैं कपड़ा डाला हुआ भाई ने धूप की वजह से। तो भाई ये लुक दे रही है, देखें गाड़ी अच्छा लुक है। आपको लेके चलते हैं इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम दिखा देते हैं आपको।
तो भाई माउंटेन वगैरह की कंडीशन देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में देख सकते हैं माउंटेन है इसकी, नजर ही आ रही है। अच्छा तो बेटा इसमें सीएनजी किट लगी हुई है, तो सीएनजी पे स्टार्ट है गाड़ी? हाँ स्टार्ट है, सीएनजी स्टार्ट है भाई। भाई जो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको पेट्रोल पे भी स्टार्ट मिल रही है, सीएनजी पे भी स्टार्ट मिल रही है। बैटरी की कंडीशन अच्छी है, अच्छा रेडिएटर वगैरह देख सकते हैं, रेडिएटर का लुक अच्छा है ये देखिए भाई। अच्छा टिकली शिकली सब लगी हुई, नंबर आपके सामने है भाई, तो ये देख सकते हैं आप। अच्छा जी दूसरी साइड की माउंटेन पर आ जाए तो भाई ये मामला भी यहाँ पर भी ओके की रिपोर्ट है भाई, ये देख सकते हैं आप, ये देख लें। अच्छा चेसिस जहाँ तक नज़र आ रहा है वो भी आप देख लें, अच्छी कंडीशन रूम की है, साफ सुथरा रूम भाई ने रखा हुआ है, तो भाई ये देख लें, ये देखें आप। अच्छा मिलवा देते हैं आपको भाई से। अच्छा तो भाई यहाँ पर हमारे छोटे से भाई अब्दुल रहमान भाई हैं, अब्दुल रहमान भाई से मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक ठाक है भाई, ये बताइए मॉडल क्या, डिमांड क्या है? सात मॉडल है और इसके 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। 8 लाख रुपए सही है, टैक्स क्लियर है, जेन्युइन कलर है, गुंजाइश नहीं है। अच्छा अगर हमारे ठीक है, अपना नंबर शेयर करिए, मोबाइल नंबर शेयर करिए, और बाइक के पास है ठीक है, और बाइक गिया हुआ तोड़ा और गाना गाने के लिए, और तो गाड़ी छोड़ के गया उसने। अच्छा तो नंबर नहीं आपके पास? नहीं ठीक है, हमारे पास नंबर तो भाई बम्पर वम्पर की कंडीशन ओके। अच्छा जी अब आ जाए फ्रंट फेंडर, तो फ्रंट फेंडर का लुक अच्छा है, कोई डेंट वेंट नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी फ्रंट डोर पे आ जाए तो फ्रंट डोर पे भी कोई डेंट नहीं है। टायर की कंडीशन दिखा दो, सिंपल स्टेप नहीं है, कंपनी फिटेड जो स्टेप नहीं आती है, टायर की कंडीशन बहुत अच्छी है। टायर जो मुझे पिछला भी नजर आ रहा है तो ये भी अच्छी कंडीशन में नजर आ रहा है। बाकी आ जाए बैक डोर पे तो बैक डोर भी क्लियर है, कोई डेंट नहीं है। अच्छा जी बैक फेंडर भी देख सकते हैं आप, अच्छी कंडीशन में बैक फेंडर है, कोई डेंट मुझे नजर नहीं आया साइड पे। तो भाई चलते हैं आपको दिखाते हैं गाड़ी का लुक, तो यहाँ से आप देख लें गाड़ी का लुक, तो ये लुक है गाड़ी का साइड से, अच्छा लुक है। तो आपको दिखा देते हैं बैक से गाड़ी की कंडीशन, तो भाई बैक बम्पर पर आ जाए, बैक लाइट, बैक स्क्रीन दिखा देते हैं इसी बात पर आपको, तो भाई बैक आपको दिखा दो रूफ, तो भाई रूफ का लुक ये देख लेते हैं। अच्छा रूफ भी शाइनी है, थोड़ी सी डस्ट आई हुई है मामला, इसके अलावा गाड़ी मुनासिब कंडीशन में। तो भाई बैक फेंडर ही हो गया हमारा, बैक फेंडर हो गया, बम्पर हमारा क्लियर है, कोई टूटा फूटा नहीं है। तो भाई आपको दिखाएं इस डोर की कंडीशन, तो इस पर भी मुझे कोई डेंट नज़र नहीं आ रहा। अगले डोर पर आ जाए तो भाई अगले डोर की कंडीशन देख लें, डेंट चेंट इस पर गाड़ी को मुझे अभी तक कोई नज़र नहीं आया। तो भाई फ्रंट फेंडर इस बात पर चेक कर लेते हैं, फ्रंट फेंडर भी ओके इसका, अंदर से दिखा दूँ गाड़ी आपको। पहले तो ड्राइविंग साइड का लुक देख लें कि ये लुक दे रही है गाड़ी आपकी, अंदर चलते हैं अंदर से गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं। अच्छा तो भाई डोर वोर की कंडीशन देख सकते हैं, डोर की कंडीशन ये है कि पिलर दिखा दूँ इसी बात पे, तो भाई पिलर की कंडीशन देख लें पहले आप, ये देखिए भाई पिलर गाड़ी का इस कंडीशन में। अच्छा तो भाई अब आ जाए स्टीयरिंग व्हील पे, तो स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन आपको दिखा देते हैं, स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन ये है। डैशबोर्ड की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, डैशबोर्ड की कंडीशन ये है भाई, ये देखिए भाई। अच्छा सिस्टम विस्टम एक घरेलू हिसाब से भाई ने लगाया हुआ है। बाकी फ्रंट सीट्स आप देख सकते हैं लुक, ये लुक दे रहा है फ्रंट सीट, डोर वोर। अच्छा जी रूफ़ देख लें तो रूफ़ जेन्युइन है भाई की, बाकी पिछली सीट वगैरह देख लें तो भाई की कोई मीटिंग शीटिंग चल रही है। हम चलते हैं इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम आपको दिखा देते हैं। तो भाई इंजन रूम की कंडीशन देख लें, माउंटेन वगैरह देख सकते हैं, माउंटेन की कंडीशन ये है कि भाई बैटरी की रिपोर्ट भी ओके ही लग रही है, देख सकते हैं बैटरी की कंडीशन ये है कि, ये देखिए भाई। अच्छा इंजन रूम की कंडीशन ये सिर्फ एक सर्विस हो जाए तो भाई इंजन का मामला टाइट है, पूरी गाड़ी नहीं है भाई, ये देख सकते हैं टिकली शिकली लगी हुई है, इंजन नंबर ले रहा भाई सॉरी। अच्छा जी अब देख ले माउंटेन वगैरह की कंडीशन, तो भाई माउंटेन की कंडीशन हमने आपको दिखा दी, बाकी जहाँ तक चेसेस नज़र आ रहा है वो भी देख सकते हैं आप, ये लुक दे रही है गाड़ी, मिलवा देते हैं इसी बात पर आपको भाई से। तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं अव्वल गुल भाई, भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से? ठीक ठाक। हमारे व्यूअर्स को गाड़ी का मॉडल बता दिए, डिमांड बता दिए? सर ये 94 मॉडल है, 320 डिमांड करते हैं, 320 डिमांड है जी। एक्सेस क्लियर थी, पीएमसी क्लियर, क्लियर है, रिटर्न फाइल। तो भाई 320 जैसे हम डिमांड कर रहे हैं तो कोई गुंजाइश हमारी वक्त के लिए है तो कर दीजिए, बस कर लेंगे बता बता दे। जो पार्टी बैठ जाते हैं फिर बात कर लेते हैं, पार्टी आओ तो आप डिमांड बताए, पार्टी आएगी इंशाल्लाह 3 तक ये छोड़ देंगे, 3 तक 20,000 रुपए का डिस्काउंट कर देंगे बिल्कुल। अच्छा भाई भाई ये बताइए गाड़ी में किसी किस्म का काम, इंजन में काम? इंजन से ओके, सस्पेंशन से ओके, ओके, पेट्रोल एवरी साइड बिल्कुल सर, शहर से बाहर ले जाएंगे गाड़ी तंग तो नहीं करेंगे, जहाँ भी ले जाए मर्जी है। तो भाई ये बताइए कि गाड़ी की लोकेशन कहाँ पर गाड़ी होती है, कहाँ देख सकते हैं गाड़ी?
ये तो हम शाह लतीफ़ से आए सर। शाह लतीफ़ कॉलोनी। हाँ भाई अपने नंबर शेयर कर दिया भाई। 0310 23 90 468। तो मुझे मिली है सिविक 88 मॉडल भाई, गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, मरून कलर में आपको गाड़ी मिल रही है। तो देख लें रूफ, विंड स्क्रीन, बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट जाली, तो भाई लुक अच्छा है, देख सकते हैं मरून कलर में आपको गाड़ी मिल रही है। अच्छा फॉग लाइट वगैरह इंस्टॉल्ड है, तो फ्रंट से दिखाते हैं आपको गाड़ी का लुक। तो देख लें भाई बम्पर शम्पर इसका पूरा भाई आ जाए। फ्रंट फेंडर, तो फ्रंट फेंडर का लुक ये देखिए भाई, एलॉय रिम पे गाड़ी है, फ्रंट डोर देख लिया, फ्रंट डोर हो गया, बैक डोर हो गया, तो भाई ये कंडीशन देख सकते हैं आप। आ जाए इधर, तो भाई टायर की कंडीशन यहाँ से भी देख लें, टायर का लुक अच्छा है। अच्छा जी दोनों दरवाजे मैंने आपको दिखा दिए, कोई डेंट शेंट नहीं है। अच्छा तो बैक फेंडर पे आ जाते, बैक फेंडर अच्छा जी आ जाए भाई, बैक लुक दिखाते हैं, ये लुक दे रही है, बैक स्क्रीन दिखा दिया मैंने आपको कंडीशन में। तो आ जाए छत पे, छत भी शाइनी है भाई, ये देखिए हल्की सी डेंट हुई लेकिन छत उसकी शाइनी है। तो भाई आपको लेकर चलते हैं ड्राइविंग साइड से, आपको ड्राइविंग साइड की तरफ चलते हैं भाई। ये देख लें भाई ड्राइविंग साइड देख लें भाई आप। अच्छा बैक फेंडर हो गया भाई, बैक टायर शायर दिखा दिया मैंने आपको, बैक डोर की कंडीशन देखी लें आप। अच्छा तो बैक डोर की कंडीशन हो गई आपको दिखा दिया भाई, फ्रंट डोर, तो फ्रंट डोर की कंडीशन हमारी ये है कि देख ही सकते हैं आप। फ्रंट फेंडर पे आ जाते हैं भाई, फ्रंट फेंडर का लुक ये है, आगे थोड़ा सा ये रस्टेड हुआ मामला ये देख सकते हैं आप। तो भाई ये सिलसिला है, आपको दिखाएं अंदर से गाड़ी की कंडीशन। तो भाई स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में स्टीयरिंग व्हील है, जेन्युइन कंडीशन में आपको गाड़ी मिलेगी। आपका स्टीयरिंग व्हील, आप डैशबोर्ड की कंडीशन देखेंगे तो वो भी आपको अच्छी लगेगी भाई, डैशबोर्ड की कंडीशन अच्छी है। माइलेज क्या है भाई, माइलेज मैं आपको बताता हूँ, 38379-0। तो भाई ये माइलेज नज़र आ रही है मुझे, बाकी डैशबोर्ड अच्छी कंडीशन है भाई की गाड़ी का। तो भाई ये देख सकते हैं एसी वेसी चल रहा है, एसी वेसी चल रहा है, सिस्टम लगाया हुआ भाई, साउंड सिस्टम है, ठीक है भाई। अच्छा सीट की कंडीशन भी देख सकते हैं, तो सीट भाई तो बहुत कंफर्टेबल सीट इसमें लगाई हुई है। बाकी डोर देख लें भाई, डोर की कंडीशन अच्छी है, दरवाजों के पर्दे दिखा रहा हूँ आपको भाई, ऑटो गाड़ी मिल रही है आपको, देखें भाई ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया मामला। EFI है भाई। बाकी छत देख लें, छत की कंडीशन भी जिनवन है, तो मैं दिखाऊँ इसी बात को आपको, पीछे से गाड़ी की कंडीशन, बैक सीट वगैरह। अच्छा तो भाई बैक डोर हो गया, ये देख सकते हैं। अच्छा ये देखिए बैक सीट की कंडीशन, बैक सीट माशाल्लाह बहुत प्यारी साफ़ सुथरी बैक सीट आपको नज़र आ रही है, देखिए। अच्छा मैटिंग देख सकते हैं प्रॉपर हुई हुई है, और डोर के पर्दे वर्दे देख लें सब, ये लुक दे रही है गाड़ी। आपको लेके चलता हूँ इंजन रूम की तरफ। तो भाई गाड़ी का इंजन रूम देखेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा भाई। इंजन रूम स्टार्ट करते हैं, देखें भाई ये देखिए भाई, माउंटेन की कंडीशन देख लें, ज़बरदस्त माउंटेन है। अच्छा बड़ी हैवी टाइप की माशाल्लाह माउंटेन इस पर डली हुई है भाई, ये देख सकते हैं ओरिजिनल गाड़ी मिल रही है आपको भाई, ये देख सकते हैं सारा सिस्टम। अच्छा भाई ये सारी इंजन रूम देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ गाड़ी की कंडीशन, ये देखिए भाई नंबर शंबर सब लगा हुआ है, ये देख लें भाई। अच्छा ये वाली माउंटेन देख लें, बाकी जहाँ तक चेसिस नज़र आ रहा है वो भी देख ही सकते हैं। अच्छा इंजन माशाल्लाह बहुत वसी है भाई इसका, ये देखें। अच्छा इंजन रूम है, क्वालिटी इंजन रूम की आपको नज़र आ ही गई होगी भाई, इंजन रूम खोलते ही क्वालिटी सामने आ गई है भाई। अच्छा मिलवा देते हैं इसी बात पे भाई साहब को। अच्छा तो भाई हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रजाक भाई, अब्दुल रजाक भाई साहब को मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत है? ठीक ठाक है मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र है भाई। हमारी गाड़ी का मॉडल डिमांड बता दीजिए। 88 का मॉडल है और 5.5 डिमांड है, 5.5 डिमांड है। अच्छा कलर वाइज क्या कंडीशन है, ओरिजिनल है? कलर रिपेंट है, अंदर से ओरिजिनल है, बाहर से रिपेंट है, ओरिजिनल है बाहर से। और D16 का EFI वाला इंजन डला हुआ है, ऑटो गियर के साथ है, ओरिजिनल है सब, ठीक है इसी मॉडल का ही है ये, ठीक। अच्छा सीट सीट सब इसकी माशाल्लाह सब सही है, अंदर सारा सामान पूरा हुआ है, टायर नए टायर है, नए रिम है, जबरदस्त। तो भाई ये सस्पेंशन वगैरह हर चीज़ ओके है भाई, ये बताइए डिमांड तो हमने ये रखी है, कुछ गुंजाइश हो जाए हमारी जी? गुंजाइश हो जाएगी, क्या हो जाएगी बता दीजिए? 5-25 सब हो जाएगा, 5-25 हमने क्या बोली थी? 5.5 बोले, 5.5-5.25, तो मतलब 25,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, सही है भाई, ज़बरदस्त हो गया भाई। लोकेशन कहाँ पर आके गाड़ी जी? गुलशन इकबाल में है, NID यूनिवर्सिटी के सामने, ठीक है भाई। भाई नंबर शेयर कर दीजिए मुझे, 0336-316-095। मुझे मिली है कल्टस 2007 का मॉडल, गाड़ी की कंडीशन अच्छी लग रही है, रूफ, विंड स्क्रीन, बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट जाली। तो भाई ये हो गया हमारा फ्रंट गाड़ी है, तो भाई चलते साइड की तरफ, साइड से देख लेते गाड़ी क्या कंडीशन गाड़ी है। तो भाई आ जाते हैं, देखिए बम्पर शम्पर इसका पूरा है, लुक अच्छा है। अच्छा जी फ्रंट फेंडर की तरफ आ जाए, गाड़ी से मांग रही है एक सर्विस, लेकिन गाड़ी की कंडीशन बहुत प्यारी है, इनके अंदर अच्छी कंडीशन है, सिर्फ सर्विस हो जाए गाड़ी की तो गाड़ी का मामला टाइट है। फ्रंट फेंडर मैंने आपको दिखा दिया, टायर दिखा दो, टायर की कंडीशन अच्छी है भाई, ये देखिए
अच्छा तो भाई फ्रंट डोर हमारा हो गया, कोई डेंट शेंट हमें नज़र नहीं आया, तो भाई चलते हैं हम बैक डोर की तरफ। बैक डोर पे भी कोई डेंट नहीं है, माइनस है, स्क्रैच है, तो भाई चलते हैं बैक फेंडर दिखा देने इसी बात में आपको। तो भाई बैक फेंडर देख लें गाड़ी का, मुनासिब लुक है गाड़ी का। तो भाई ये देखें भाई, बैक फेंडर हो गया हमारा, खाली साइड ये लुक दे रही है भाई हमारी, ये देख लें। अच्छा तो आ जाते हैं बैक डोर की तरफ, बैक डोर की कंडीशन यानी बैक गाड़ी की बैक की तरफ। तो बैक से आपको दिखाते हैं भाई, बैक बम्पर, बैक लाइट, बैक स्क्रीन, ये देख सकते हैं इस लुक पे गाड़ी है। रूफ़ दिखा देते हैं इसी बात में, तो भाई रूफ़ पे आ जाए, ये देखें रूफ़ का लुक देख लें। सिर्फ एक सर्विस हो जाए गाड़ी अपने मुँह से बोलेगी भाई, ये देख लें भाई। अच्छा जी तो ड्राइविंग साइड का लुक दिखा दें, यहाँ पर थोड़ी सी जगह तंग है लेकिन वीडियो बनाएंगे भाई, ये देख लें भाई। बैक फेंडर हो गया हमारा। अच्छा जी अब हम चलते डोर की तरफ, तो डोर देख लें, डोर पे भी कोई डेंट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा अगला डोर भी भाई हमारा क्लियर है, अगले डोर पे भी कोई डेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ओके की कंडीशन है मैं, यानी कि आप समझेंगे बॉडी वाइज तो गाड़ी की कंडीशन अच्छी है। अच्छा तो भाई देखिए भाई स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन, स्टीयरिंग व्हील भाई ने बहुत टाइट कसम का है, कमरा वगैरह चढ़ाया भाई ज़बरदस्त तरीके से रखी हुई। तो भाई आप देख लें डैशबोर्ड भाई, कितने माइलेज चली हुई है, माइलेज क्या है इसकी? यार ये पता नहीं है, मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऑन करना पड़ेगा बस, ये ऑन करें 534 और 50। ठीक है भाई, तो भाई माइलेज हमने आपको बता दी, बाकी आपको दिखाते हैं डैशबोर्ड की कंडीशन। तो डैशबोर्ड की कंडीशन हमारी ये की सिस्टम लगा हुआ भाई, सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा भाई तो देखिए सीट की कंडीशन अच्छी है, सीट्स अच्छी कंडीशन में और जेन्युइन कंडीशन में सीट मिल रही है आपको। बाकी आप देख लें डोर की शक्ल, तो भाई डोर का पर्दा वर्दा ओके ही कंडीशन है। बाकी आपको दिखाऊं रूफ़, तो रूफ़ की जेन्युइन कंडीशन में आपको जो रूफ मिल रही है इसकी। चलते हैं पिछली तरफ, तो पिछले से पीछे से आपको गाड़ी दिखा रहे थे। तो भाई बैक डोर की कंडीशन ये है, बाकी सीट वीट की कंडीशन आप देख लें। सीट्स भाई ने माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी साफ़ सुथरी रखी हुई है, देख लें भाई। दरवाज़ों के पर्दे वर्दे आप देख सकते हैं, अच्छा ये लुक दे रही है गाड़ी। अब आपको दिखाते हैं इंजन रूम, भाई आप रूम की कंडीशन देख लें, ये देखें भाई माउंटेन वगैरह, माउंटेन की कंडीशन अच्छी है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक गाड़ी को सर्विस हो जाए इंशाल्लाह गाड़ी जो है अपने मुंह से बोलेगी। तो भाई बैटरी वैटरी की रिपोर्ट ओके है, बाकी सीएनजी स्टार्ट है भाई, सीएनजी स्टार्ट मिल रही है आपको गाड़ी, और पेट्रोल पे भी स्टार्ट है, सीएनजी पेट्रोल दोनों पे स्टार्ट है। तो ये लुक गाड़ी का है, एक सर्विस, बस एक सर्विस की ज़रूरत है, गाड़ी आपकी माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में यानी कि आपको नज़र आएगी। तो भाई ये टिकली शिकली देख ले, नंबर शंबर हमारा ये रहा। तो भाई आ जाए इस साइड, माउंटेन की कंडीशन भी अच्छी है, चेसिस देख सकते हैं, चेसिस जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, तो भाई चेसिस की भी रिपोर्ट ओके की नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं आप। बाकी इंजन देख लें भाई, तो इंजन का लुक ये है, अब मिलवा देते हैं आपको भाई से। अच्छा तो भाई हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद खान भाई, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद खान भाई, भाई हमारे यूएस को गाड़ी का मॉडल बता दिए, डिमांड 2007 मॉडल है और 675 डिमांड, कलर वाइज ओरिजिनल है, आधा शावर है, थोड़ा बहुत का शावर है, बाकी शावर है। ठीक है मेरे भाई, लाइन में संभाल के कंपनी पर आप ठीक है, गुलिस्तान है जोर, गुलिस्तान है जोर, किसी किस्म का इंजन में काम नहीं? नहीं नहीं इंजन अपना है, ओके है, सब के लिए क्लियर है, ओके है भाई। कुछ गुंजाइश कर दी हमारी, गुंजाइश आखिरी 660 से कम नहीं। ठीक है मेरे भाई, अच्छा तो भाई लोकेशन जोर में आके देख ले, मोबाइल नंबर बता दीजिए 0300 273 499। व्यूअर्स मुझे मिली ऑल्टो 2008 का मॉडल भाई, जेन्युइन कलर में गाड़ी मिल रही है, आप देख ही सकते हैं भाई, रूफ, विंड स्क्रीन, बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट जाली। तो भाई ये लुक फ्रंट से गाड़ी का है, लुक अच्छा है, लुक वाइज यानी कि कहने का मकसद ये कि ओरिजिनल कलर में आपको गाड़ी मिल रही है भाई, ये हो गया हमारा फ्रंट लुक। तो चलते हैं साइड से आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं, बम्पर वम्पर सब ओके की कंडीशन है, हल्का से यहाँ पर थोड़ा सा एक डेंट आया हुआ है, तो भाई देख सकते हैं। अच्छा अलॉय रिम की बात करते हैं, तो भाई अलॉय रिम इसमें अच्छी कंडीशन का लगा हुआ है, टायर की कंडीशन अच्छी है। बाकी आ जाए फ्रंट फेंडर पर, तो भाई फ्रंट फेंडर देख सकते हैं आप, हमारा क्लियर है, ओके की रिपोर्ट है भाई, फ्रंट फेंडर में कोई डेंट नहीं, हल्का सा स्क्रैच है। अच्छा जी फ्रंट डोर की बात करते हैं, तो फ्रंट डोर पे भी कोई डेंट नहीं है, ये देख सकते हैं आप, पिलर शिलर यहाँ से देख लें। तो आ जाते हैं बैक डोर पे, बैक डोर की कंडीशन भी मुनासिब ही है भाई, तो बैक फेंडर पे भी हमें कोई डेंट नज़र नहीं आ रहा है भाई, ये लुक दे रही है हमारी गाड़ी। अच्छा जी बम्पर शम्पर की कंडीशन हम आपको एक दफ़ा करीब से दिखाते हैं, तो बम्पर यहाँ से टच हुआ हुआ है हमारा। तो भाई आ जाए इस साइड पर, ये देख लें भाई, ये हो गया हमारा बैक बम्पर, बैक लाइट्स वगैरह देख लें आप, मुनासिब कंडीशन है। अच्छा इसके मिरर और लाइट्स वाइट्स भाई पूरी हैं, कोई टूट फूट नहीं है, तो बैक स्क्रीन भी आप कंडीशन देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन, मुनासिब कंडीशन में गाड़ी मिल रही है, जेन्युइन कलर में आपको। तो भाई आ जाते हैं रूफ़ के ऊपर, तो रूफ़ शाइनी है, देख सकते हैं शाइनी रूफ़ आपको नज़र भी आ रही होगी। तो भाई आ जाते हैं बैक फेंडर पे, बैक फेंडर हमारा ये लुक है, एट साइड से बम्पर थोड़ा सा गया हुआ है हमारा। तो भाई आप देख लें अलॉय रिम और टायर की कंडीशन, तो माशाल्लाह सामने सामने है, टायर बहुत अच्छी कंडीशन में है, जानदार टायर डले में। तो भी बैक डोर पे आ जाए, बैक डोर की कंडीशन आपके सामने, कोई डेंट नज़र नहीं आ रहा, तो आ जाए फ्रंट डोर पे। इसी बात पे फ्रंट डोर भी हमारा क्लियर है भाई, देख ही सकते हैं आप,
चलते हैं भाई फेंडर की तरफ, तो फेंडर देख लेते हैं। फेंडर पे भी कोई डेंट शेंट नहीं है भाई हमारा, तो बाकी ये हो गया। अंदर से दिखाऊं मैं आपको गाड़ी, ये लुक दे रही है। तो भाई ये देख सकते हैं दरवाज़ों के पर्दे वगैरह, भाई देख सकते हैं पावर विंडो वगैरह गाड़ी है आपकी। तो भाई ये हो गया लुक, आपको दिखा दूँ इसी बात पर मैं पिलर शिलर की कंडीशन। तो भाई पिलर की कंडीशन ये है गाड़ी की, ये देख लें। अच्छा जी, ये हो गया भाई हमारा पिलर का लुक। अब आपको दिखा दें स्टीयरिंग व्हील पे चलते हैं भाई। स्टीयरिंग व्हील की रिपोर्ट देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में स्टीयरिंग व्हील आपको नजर आ रहा है। डैशबोर्ड की कंडीशन बता रहे थे भाई। माइलेज क्या चली हुई, कितने 18 चल रही मेरे अठारह हज़ार किलोमीटर, 18 से भाई 20,000 किलोमीटर भाई बता रहे हैं भाई। पैनल शैनल ये लगा हुआ है, देख ही सकते हैं आप। तो ओके की रिपोर्ट है, सिस्टम विस्टम ऑन है इसका। बाकी आप सीट्स देखें तो सीट्स बहुत अच्छे लुक में, ये देख सकते हैं कंफर्टेबल सीट्स हैं। ये देख लें रेगजीन चढ़ी हुई है लेकिन अच्छी, बल्कि लेदर है मेरे ख्याल में, लेदर कवर है भाई, लेदर कवर भाई ने सीट पर चढ़ाए हुए हैं। अच्छा लुक है, ये देख लें आप कंफर्टेबल सीट्स हैं। बाकी मैटिंग प्रॉपर हुई हुई है, देख लीजिए भाई। डोर के पर्दे देखें तो डोर के पर्दे भी ओके की रिपोर्ट है भाई, आपको दिखाऊँ इसी बात पर मैं। रूफ़ तो रूफ़ की तरफ चलते हैं भाई, रूफ़ की कंडीशन देखें। जेन्युइन रूफ में आपको गाड़ी मिल रही है, पीछे से गाड़ी का लुक दिखा देते हैं आपको। तो भाई ये देख सकते हैं दरवाजे की कंडीशन, ये पर्दे शर्दे देख लें, ओके की रिपोर्ट है भाई। आ जाए सीट पे तो सीट की बात कर लेते हैं, सीट की कंडीशन भी अच्छी है, मुनासिब कंडीशन है भाई, ये देख लें। अच्छा मैटिंग शेटिंग हुई हुई है भाई, स्पीकर्स लगे हुए हैं, सिस्टम भाई का ऑन है, ये देख लें भाई। तो चलते हैं भाई इंजन रूम की तरफ। तो भाई ये देख लें भाई, ये माउंटेन वगैरह की कंडीशन आपके सामने। अच्छा बैटरी अच्छी कंडीशन में भाई की लग रही है। तो भाई भाई सीएनजी पे स्टार्ट है जी, सीएनजी भाई सीएनजी पे स्टार्ट गाड़ी मिल रही है, पेट्रोल पे स्टार्ट गाड़ी मिल रही है, सीएनजी पेट्रोल दोनों पे स्टार्ट है, गाड़ी करने का मकसद ये। तो भाई आ जाए भाई, आप देख सकते हैं नंबर भी हमारा गाड़ी का सामने नज़र आ ही रहा है आपको। तो आ जाते हैं भाई, टिकली शिकली सामने लगी हुई है, माउंटेन की कंडीशन मुनासिब है, ये देख ही सकते हैं आप। ये देख लें भाई, जहाँ तक आपको पिलर सॉरी ये चेसिस नज़र आ रहा है वो भी देख लें आप। बाकी इंजन की कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं, इंजन देख सकते हैं आप भाई ये नहीं। अच्छा अब हम मिलवाते हैं इसी बात पे आपको भाई से। अच्छा तो भाई हमारे साथ मौजूद है अदनान भाई, अदनान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। हमारे व्यूअर्स को गाड़ी का मॉडल बता दीजिए। ये 2008 मॉडल है, सीएनजी और पेट्रोल दोनों पे है, और इसकी डिमांड है 6.5 के करीब। 6.5 एक्सेस क्लियर सीपीएस जी, हर शेयर करिए। रिटर्न फाइल है जी जी। अच्छा कलर वाइज क्या, यानी कि क्या सिलसिला इसका, ओरिजिनल है रिपेंटेड? रीजनल है, नीचे से गार्ड रही है, वो फुट पाती है वो थोड़ी सी पेंट, बाकी सब पेंट है, बाकी सब रीजनल जी। अंदर बाहर ओरिजिनल जी, ठीक है मेरे भाई। भाई ये बताइए कि टैक्सेस तो आपने बताई दिया जी, क्लियर। अच्छा तो कोई गुंजाइश करते हैं हमारी व्यूअर्स को थोड़ी बहुत? चले 5.5 तक फैन जी, 25,000 ऐसे ही है, ठीक हो गया भाई। लोकेशन कहाँ पर आके गाड़ी दे? ये माड़ीपुर में है, जून सभा में। भाई नंबर शेयर करिए 03027327594। तो वीवर मुझे मिले हैरान, 2010 का मॉडल, गाड़ी की कंडीशन इसकी भी अच्छी है भाई, व्हाइट कलर में गाड़ी मिल रही है आपको। रूफ विंडस्क्रीन बोनेट बम्पर हेडलाइट फ्रंट जाली, तो भाई देख सकते हैं फ्रंट लुक गाड़ी ये है भाई, अच्छी कंडीशन है गाड़ी की, जेन्युइन कलर में लग रही है। अभी बाकी डिटेल भाई से ले लेते हैं। तो भाई हो गया हमारा फ्रंट, आपको लेके चलते हैं साइड की तरफ, साइड से गाड़ी की कंडीशन देखते हैं हम। तो भाई फ्रंट फेंडर देख ही सकते हैं आप, फ्रंट फेंडर पर फिलहाल कोई डेंट शेट नहीं है, माइनस स्क्रैचेज हैं तो भाई वो तो आ ही जाते हैं। अच्छा जी फ्रंट डोर देख सकते हैं, फ्रंट डोर की कंडीशन भी अच्छी है, कोई डेंट नहीं है, ये देख ले भाई। पिलर शिलर देख सकते हैं बाहर से। अच्छा तो फिर आ जाए बैक डोर पे भाई, बैक डोर की कंडीशन हमारी ये हो गई, इस पर भी कोई मुझे फ़िलहाल डेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो ये देख सकते हैं बैक डोर, हल्के से स्क्रैचेस कुछ हैं। तो भाई बैक फेंडर पे आ जाते हैं, बैक फेंडर का लुक भी मुनासिब ही लग रहा है ये, तो ये देख सकते हैं खाली साइड से गाड़ी ये लुक दे रही है भाई, ये लुक हो गया हमारा। अच्छा तो आ जाएँ आप इस पर बम्पर पे, बम्पर की कंडीशन अच्छी है भाई, ये देख सकते हैं आप बैक लाइट वगैरह। अच्छा जी बैक स्क्रीन हो गया भाई इसका। आ जाए रूफ़ की तरफ, तो रूफ़ की बात कर लेते हैं, रूफ़ का कलर भी अच्छा है, यानी कि शाइनिंग गाड़ी है भाई, थोड़ी सी डस्ट हो आई हुई है, लुक अच्छा है, ये देख सकते हैं रूफ़ का। आपको दिखाएं बैक फेंडर से गाड़ी, तो भाई बैक फेंडर गाड़ी का देख सकते हैं हम। इस पर भी भाई मुझे कोई डेंट नहीं नज़र आ रहा, और बम्पर भी भाई क्लियर है, कोई टूट फूट नहीं है बम्पर पर। अच्छा तो आ जाए जी साइड डोर की तरफ, यानी कि बैक डोर की तरफ, तो बैक डोर पर भी कोई डेंट नहीं है, हल्का सही है स्क्रैच आया हुआ है, तो भाई ये लगा हुआ है। अच्छा जी बाकी आ जाए फ्रंट डोर, फ्रंट डोर बिल्कुल हमारा क्लियर है, इसमें कोई ना डेंट है ना कुछ है। अंदर से आपको पिलर की कंडीशन भी दिखाऊंगा, और बाकी आप ये देखिए भाई फ्रंट फेंडर भी हमारा क्लियर है, इस पर भी कोई डेंट नहीं है। बाकी देख सकते हैं एलॉयरिम पे गाड़ी है, टायर की कंडीशन अच्छी है, एलॉयरिम भी अच्छी कंडीशन का, टायर सारे ही भाई की कंडीशन अच्छी है। तो अंदर से दिखाते हैं आपको गाड़ी। अच्छा तो भाई ये देख सकते हैं भाई स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन आपके सामने। अच्छा डैशबोर्ड दिखा दें आपको, तो डैशबोर्ड की कंडीशन देख लें, एंजॉय कर लें। अच्छा भाई 31238-3, तो ये तो रीडिंग आपको नज़र आ ही रही है, बाकी डैशबोर्ड की कंडीशन देख लें, इस कंडीशन में डैशबोर्ड मिल रहा है आपको गाड़ी का। तो सीट की बात कर लेते हैं, सीट पर भाई ने कवर चढ़ाया हुआ है, कवर भी मुनासिब कंडीशन में भाई, तो ये लुक दे रही है। दरवाज़ों के पर्दे आप देख सकते हैं, तो पर्दे अच्छी कंडीशन में, दरवाज़ों के पर्दे
आपको इसी बात पे दिखा दूँ मैं पिलर, तो भाई पिलर की कंडीशन देख रहे हैं आप, पिलर की कंडीशन ये हो गई। आपको मैं दिखाऊँ रूफ, तो भाई रूफ ये देख लें, जिनमन रूफ है भाई, ये हो गया लुक। आपको दिखाते हैं बैक से गाड़ी, तो भाई दरवाज़ों के पर्दे वगैरह देख ही सकते हैं आप, अच्छी कंडीशन में साफ़ सुथरी गाड़ी भाई ने रखी हुई है। तो भाई बैक सीट पर आ जाएँ, ये देख सकते हैं बैक सीट वगैरह की कंडीशन, ये कवर चढ़ा हुआ है, बाकी मैटिंग प्रॉपर हुई हुई है। तो भाई ये लुक दे रही है गाड़ी अंदर से, चलते इंजन रूम की तरफ। तो भाई आपको इंजन रूम की कंडीशन दिखा दिया, माउंटेन की कंडीशन आप देख सकते हैं, कपड़े की कंडीशन। तो भाई बैटरी की रिपोर्ट भी ओके है, बैटरी भी मुनासिब कंडीशन में इसकी। बाकी सीएनजी किट के बारे में पूछ लेते हैं, तो भाई जो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ सीएनजी किट पे सीएनजी भी लगी है, इसमें सीएनजी स्टार्ट है गाड़ी। अच्छा रेडिएटर की आप देख सकते हैं कंडीशन, अच्छी कंडीशन में रेडिएटर मिल रहा है, सीएनजी स्टार्ट गाड़ी है, पेट्रोल स्टार्ट गाड़ी है। तो भाई आर्यन टेक्नीशियन की सब लगी हुई है, नंबर देख सकते हैं आप। बाकी माउंटेन ये भी देख लें, अच्छी कंडीशन में माउंटेन है, मुनासिब कंडीशन में। तो भाई ये हो गई माउंटेन की कंडीशन, बाकी आप चेसिस वेसिस देख सकते हैं जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। इंजन रूम की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है, मिलवा देते हैं इसी बात पर आपको भाई से। तो भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है नुमान भाई, नुमान भाई से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है मेरे भाई? जी बिल्कुल। भाई हमारे व्यूअर्स को गाड़ी का मॉडल बता दीजिए, डिमांड बता दीजिए। 2010 मॉडल है, 5 लाख डिमांड है। 5,90,000? 5 लाख। 5 लाख जी। अच्छा तो डिमांड तो हमारी होगी 5 लाख रुपए। इसके टैक्सेस वैक्सेस क्लियर है, सीपीएलसी क्लियर है, सब रिटर्न फाइन है, बिल्कुल है। कलर वाइज रिपेंट गाड़ी है, ओरिजिनल गाड़ी है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल कलर है, जबरदस्त भाई। भाई तो बताइए इंजन में काम, सस्पेंशन में काम, किस किस्म का? नहीं कुछ किसी कोई काम नहीं है, कोई काम गाड़ी ओके शायद से बात ले जाए, काम तो नहीं निकालेंगे। नहीं नहीं पेट्रोल एवरी सेट है, पेट्रोल। अच्छा तो भाई लोकेशन कहाँ पर है? ब्रिग रोड। अच्छा कुछ डिस्काउंट कर दिया हमारी यूनिवर्सिटी में? वो तो जब होगा तो फिर कर लेंगे, वो देखेंगे, लेके आएंगे, कॉल रेट अच्छा होगा तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। क्या डिस्काउंट है, कुछ कर देंगे, कर लेंगे कुछ लोग जब आएंगे। 4,80,70 तक हो जाए, 4,80,70। 4,80 डिस्काउंट भाई, 20,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, 20,000 रुपये जी। तो भाई भाई ने कर दिया 20,000 रुपये, तो भाई नंबर शेयर कर दिया भाई, नंबर 0304 57 88 059।